तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है बजाज पल्सर NS 200 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का। और अभी के रेट में कुछ यही सामने आया है कि ये जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो ये भी इसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है सामने USD 4 और उसके ही साथ साथ एक न्यू स्टाइल का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल। और इसके अलावा अभी और भी कई सारा कुछ चीजें एक्सपेक्टेड जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहले बात तो भाई ये जो वीडियो है ना, तो ये फेक नहीं है, क्योंकि भाई ये वाला जो मॉडल अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, मतलब जिस मॉडल को अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये वाला मॉडल ही आज से कुछ ही दिनों पहले मतलब 2022 को ही बजाज कंपनी की तरफ से बाहर के देश के अंदर लॉन्च किया गया था। तो वो तो बातें अलग है, लेकिन भाई अभी जो बाइक को आप लोग देखने वाले हो ना, तो ये जो बाइक है तो ये बजाज कंपनी की तरफ से आने वाले समय में न्यू जनरेशन नाम से ही लॉन्च करने वाला है बजाज कंपनी इसी इंडियन मार्केट में, मतलब कि बजाज पल्सर NS 200 की ही 2023 वाला जो ये मॉडल है ना, तो ये आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो ये वाला जो मॉडल है तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसी 200 वाले मॉडल के ही अंदर सामने जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है USD 4 और पीछे आपको देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलने वाला है पेडल डिस्क, और उसके ही साथ साथ ये वाला जो मॉडल का ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो है इसी वाले बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन। और इसके अलावा इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप ना, तो वो भी अभी के रेट में कुछ यही दिया गया है कि पहले की तरह ही लगभग सभी ही बल्ब्स के अंदर अंदर, बाकी तो हेडलाइट जो है तो वो आपको हैलोजन में देखने को मिलेगा और टेल लाइट आपको LED में देखने को मिलेगा इसी बाइक का। और इसके अलावा देखो इस वाले बाइक में कुछ ही न्यू कलर्स ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अभी तो इस इंडियन मार्केट में जो लॉन्च होगा तो उसके बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं गया है कि ये क्या होगा, किस तरीके का होगा। लेकिन हाँ भाई दोस्तों, आप लोग ये समझ सकते हो कि ये जो कलर्स है तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन सही होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको न्यू कुछ ग्राफिक्स जो है तो वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखो इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल ना, तो ये अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि न्यू सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ओडोमीटर, टीमीटर, फ्यूल गेज वगैरह और उसके ही साथ साथ इंजन मेल फंक्शन और ABS ये सारा कुछ तो देखने को मिलेगा ही। और इसके ही साथ साथ भाई अभी ये जो न्यू मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको ये जो गियर नंबर चेंज वाला जो सीन है, मतलब कि जो गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वाला जो सीन है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखो इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा जो इंजिन, तो ये एक 200cc वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजिन आपको देखने को मिलेगा, DOAC 4 वाल्व वाला। और ये वाला जो इंजन आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देगा ना, तो वो है 24.5 BHP, और ये वाला इंजन जो हमको मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा तो वो है 17.3 Nm। बाकी तो भाई 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा इसी बाइक के ही इसी इंजन के साथ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा, थैंक यू गाइज़।